Hello everyone. Today we will do the short question answers of chapter 2, Goa, a tourist paradise. So let's start. Short question answers. Question number 1 is, what makes Goa a perfect holiday spot? So the answer is, means Goa ko क्या चीज एक परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट बनाती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गोवा को परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट बनाती हैं? सो द आंसर इज द बीचेस, सी, वाटर, स्पोर्ट्स, क्यूजिन एंड प्लेसेस टू विजिट मेक गोवा अ परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट. सो गोवा में जो बीचेस है, सी है, समुद्र है, वाटर स्पोर्ट्स है, पानी वाले खेल है बहुत ज्यादा, वहां का भोजन है और जो जगह है घूमने वाली, वो गोवा को एक परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट बना देती है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट आर द 4 मेन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल ऑफ गोवा? कौन सी 4 ऐसी मुख्य भाषाएं हैं जो गोवा के लोगों द्वारा बोली जाती हैं? So the answer is, the 4 main languages of the people of Goa are Konkani, Marathi, Hindi and Portuguese. So ये वाली languages जो हैं वो Goa में चारों languages ज़्यादातर बोली जाती हैं. Question number 3 is, what did the family By before returning to the hotel. जब वो फैमिली होटल से लौट रहे थे, सो उन्होंने वहां से क्या खरीदा था गोवा से? अगर आपने स्टोरी सुनी है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं सुनी है तो सुन लीजिए. सो द आंसर इज द फैमिली बॉट की चेन्स एंड डेकोरेशन पीसेस मेड ऑफ सी शेल्स Before they return to the hotel. जब वो होटल से वापस आ रहे थे वो फैमिली, तो उन्होंने क्या खरीदा था? की चेन्स खरीदी थी, चाबियों के गुच्छे, डेकोरेशन के पीसेस और सी शेल, समुद्र की सिप्पियां जो होती हैं, वो उन्होंने वहां से होटल से लौटते हुए खरीदी थी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू Many people visit the Basilica of Bom Jesus Old Goa. बहुत सारे लोग जो हैं वो ओल्ड गोवा में जो Basilica of Bom Jesus है वहां पर विजिट क्यों करते हैं? So the answer is, most people visit the Basilica of Bom Jesus in Old Goa to see the shrine where the mortal remains of Saint Francis Xavier are kept. जो बहुत सारे लोग हैं वो विजिट करते हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो कि कहाँ पर है? ओल्ड गोवा में है, पुराने गोवा में है. वो वहां पर जाते हैं देखने के लिए, समाधि देखने के लिए, मीन्स कहाँ पर जो सेंट फ्रैंकिस जेवियर है वो कहाँ पर रखे हुए हैं, उनकी बॉडी को देखने के लिए जाते हैं. सो इट्स कंप्लीटेड. और अगर अभी तक आपने ये स्टोरी को नहीं सुना है तो सुन लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में आसानी होगी. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.